हेलो फ्रेंड। तो अभी आपने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके टाइप्स के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया कि टाइप्स इसके कितने हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं और प्रत्येक टाइप पर हम लोगों ने देखा। तो पहला टाइप इसका जो है लेटर कोडिंग है, दूसरा टाइप जो है नंबर या सिंबल कोडिंग है, और तीसरा टाइप जो है वह सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। तो इसमें पहला टाइप में हमने देखा कि लेटर कोडिंग जो है इसमें सिर्फ लेटर से ही मतलब है, और लेटर कोडिंग में देखा जाता है तो इसके कई स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा किए थे। तो इसके स्ट्रक्चर पर प्रत्येक स्ट्रक्चर पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर था, उसके आधार पर अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला जो स्ट्रक्चर था 5 लेटर का कोडिंग, 5 लेटर में, और वो भी सीधे सीधे कोड किया गया था। और कोडिंग करने का मतलब हम आपको बताए थे कि उसमें क्या होगा, या तो उससे लेटर का अपोजिट लेटर से कोडिंग होगा, या उस लेटर के सीरियल नंबर में कुछ अंकों का प्लस करके या कुछ अंकों का माइनस करके कोड किया जाएगा। बस 3 ही है, अपोजिट लेटर बेस्ड, फिर से एडिशन मेथड बेस, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन मेथड बेस। यानी कि 3 ही तरीके से कोड किया जा सकता है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जैसे साउंड लिखा हुआ है, साउंड में 5 लेटर हैं, साउंड में 5 लेटर हैं, और 5 लेटर का कोडिंग भी 5 लेटर में ही किया गया है। अब ये कैसे कोडिंग किया गया है, हमने स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। पहला जो स्ट्रक्चर हमने लिखा था सीधे सीधे कोडिंग वाला, 5 लेटर का कोडिंग 5 लेटर में सीधे सीधे कोड किया गया है, प्लस माइनस या अपोजिट। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी सीधे सीधे कोड किया गया है, मतलब एस का अपोजिट एच है, यहाँ डी का अपोजिट डब्ल्यू है। आप देख रहे हैं कि एस का अपोजिट एच है, ओ का एल है, यू का एफ है, एन का एम है, और डी का डब्ल्यू है। मतलब सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपोजिट लेटर से कोड तो नहीं किया गया है। अगर ये अपोजिट लेटर नहीं होता तब आपको वहां देखना होता कि उसके सीरियल नंबर में कुछ अंकों का प्लस तो नहीं किया गया है या कुछ अंकों का माइनस तो नहीं किया गया है। तो यहां पर अपोजिट लेटर से कोड किया गया है। तो अपोजिट लेटर, सब प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर आपको याद करना होगा। तो इसको हम अभी लिख देते हैं, एक ट्रिक बताते हैं अपोजिट लेटर को कैसे याद किया जाता है। तो जिसको जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ेगा, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो कहीं कहीं अपोजिट लेटर से जहां पर कोड किया जाएगा तो वहां पर इस अपोजिट लेटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, A2Z। दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं जिस भी वर्ड को हम लोग यूज करते हैं तो उन्हीं सारे वर्ड को जो हम लोग यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसी को यहां पर अप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान देना है, यहां केयर करना है। तो A2Z, ई और जेड एक दूसरे का अपोजिट हो गया। बी का अपोजिट वाई होता है, इस शब्द को हम 22 शब्द से याद रखेंगे। 22 शब्द हम लोग हमेशा यूज करते हैं, और इस तरह से 22 शब्द में 2 लेटर जो बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस तरह से ये भी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। मतलब एक पहला, यानी कि अल्फाबेट जितने भी हैं, अगर पहला लेटर ए लेते हैं तो पीछे से उसका जेड 26वां लेटर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आगे से अगर दूसरा हम बी लेते हैं तो पीछे से फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार एक आगे से लेना है, फिर उसी क्रम पर पीछे से भी लेना है। तो इस तरह से बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट हो गया। फिर सी का अपोजिट एक्स होता है, एक दूसरे का यह अपोजिट है। तो इसको याद रखने का टेक्निक क्या है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं सिक्स। मतलब सी और एक्स मिलकर सिक्स कहलाया, और इस उच्चारण से सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट यहां पर हो रहा है। फिर उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, और इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं दूध वाला। तो यानी कि डी से क्या हो जाएगा, दूध, और डब्ल्यू से वाला, जो हम लोग दैनिक जीवन में जिसको यूज करते हैं। तो ये दूध वाला डी और डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट हो गया। फिर उसी प्रकार देखा जाए तो ई का अपोजिट अगर देखा जाए तो LOVE, यानी कि लव शब्द में यहां 4 लेटर शामिल होता है, और इसमें पहला 2 लेटर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मतलब एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, और लास्ट का 2 लेटर जो है यह भी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मतलब भी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। तो इस तरह से ये लव शब्द में 4 लेटर जो आया, दो दो पेयर में एक दूसरे का अपोजिट हुआ। शुरू का 2 लेटर एक दूसरे का अपोजिट, और लास्ट का 2 लेटर एक दूसरे का अपोजिट। शुरू में क्या है, एल और ओ एक दूसरे का अपोजिट, और लास्ट में भी और ई है, यह भी एक दूसरे का अपोजिट। तो लव शब्द से हम लोग याद रखेंगे 4 लेटर का यहां पर कैसे अपोजिट होता है। फिर उसके बाद एक शब्द आता है यू और एफ,
इसको हम पढ़ सकते हैं उदाहरण के लिए यू और एफ को, उफ उफ कितनी गर्मी है या कितनी ठंडी है, उफ शब्द हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो यू और एफ एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो इस प्रकार उफ से। फिर उसके बाद आता है जी और टी, एक दूसरे का अपोजिट है, इसको कैसे याद रखेंगे, जीटी रोड, जीटी रोड आप जानते हैं काफी फेमस है, जीटी रोड किसने बनवाया, शेरशाह ने बनवाया और ये काफी फेमस है, जीटी रोड से आप जी और टी एक दूसरे का अपोजिट है, इसको आप याद रख सकते हैं। नीचे जगह नहीं है, फिर हम ऊपर आते हैं, ऊपर मिटाकर इसको लिखते हैं जैसे, फिर आगे बढ़ते हैं तो जीटी हो गया, एच का अपोजिट एस होता है और इसको कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल पढ़ेंगे तो एच हो जाएगा और एक एस हो जाएगा, यानी कि एक एच से शुरू है, एक एस से शुरू है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो आई आर, आई आर जिसको हम लोग क्या याद रखेंगे, याद रखने के लिए क्या यहां पर ट्रिक अपनाएंगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे से आई और आर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द आता है जे और क्यू, तो इसको याद रखने का हमारे पास यह ट्रिक है कि जंगल क्वीन भी कह सकते हैं या जलेबी कचौड़ी भी कह सकते हैं, जलेबी कचौड़ी, यह आप इसको जंगल क्वीन से याद रख सकते हैं, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं तो एक शब्द आता है पी के, मतलब एक पी के शब्द से हम लोग इस शब्द पी और के का अपोजिट याद कर सकते हैं, या के पी ठाकुर, के पी ठाकुर का ग्रामर आप जानते हैं काफी फेमस है, तो के पी कहिए, या अगर हम इधर लेफ्ट चलते हैं तो पी के का उच्चारण आएगा, और पी के एक मूवी भी था तो उस मूवी के नाम से हम लोग पी और के एक दूसरे का अपोजिट है तो इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एल का तो हो चुका है जो लव शब्द में था, फिर एम और एन, एम का अपोजिट एन होता है, दोनों पास पास वाला, और इसका उच्चारण हम लोग मैंने के शब्द में कहेंगे, मैं से हम यहां पर एम समझेंगे और यहां ने से हम एन समझेंगे, मैंने शब्द से एक दूसरे का अपोजिट हम लोग याद रखेंगे। इस प्रकार जितने भी लेटर इसके हैं प्रत्येक का हमने ट्रिक बताया कैसे अपोजिट इसको याद करना है, जैसे ही आपको जी का अपोजिट पता करना है तो जी टी रोड याद रखेंगे, एच का अपोजिट पता करना है तो हाई स्कूल, आई का अपोजिट पता करना है तो इंडियन रेलवे, फिर उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कि पी का अपोजिट पता करना है तो पी के शब्द, पी के शब्द, लव शब्द, जलेबे कचौड़ी, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, जीटी रोड, ये सारे चीज जो है इन शब्द को बार बार आप यूज करेंगे, बोलेंगे, ये सब याद हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर बड़ी आसानी से आपको एक ट्रिक्स के द्वारा याद करने की एक बहुत बड़ा एक ट्रिक मिला, जो कि आप इसके व्यू से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, और अब रह गया कि सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर तो आपको रटना पड़ेगा, ए से लेकर आपको जेड तक उसके सीरियल नंबर को आप रट लेंगे, और उसके बाद फिर जैसे मान लेते हैं कि कहीं कोडिंग करना होता है तो उसके प्लस करके और माइनस करके तो उसमें सीरियल नंबर की जरूरत है, और कहीं कोड करना होता है तो उसका अपोजिट लेटर से, तो जो कि हमने ट्रिक बताया। तो यह साउंड को एच एल एम एल एच एल एफ एम और डब्ल्यू में कोड किया गया, तो कैसे कोड किया, तो सबसे पहले आपको सोचना है अपोजिट से, पहले आमने सामने देखना है कि अपोजिट से तो कोड नहीं किया गया है, अगर आमने सामने अपोजिट से नहीं है तो फिर पीछे से देखना है कि अपोजिट से तो कोड नहीं किया गया है, फिर उसके बाद आपको सोचना है या तो प्लस से नहीं तो माइनस से, जब किया तब किया गया होगा, अगर अपोजिट से नहीं मिल रहा है तो प्लस या माइनस से उसके सीरियल नंबर में कुछ अंकों को जोड़कर या कुछ अंकों को घटाकर किया गया होगा। तो यहां पर देख रहे हैं पहला लेटर एस का अपोजिट एच है, हाई स्कूल, ओ का अपोजिट एल है, लव शब्द में, यू का अपोजिट एफ है, उफ शब्द, N और M एक दूसरे का अपोजिट है, मैंने शब्द से, D और W यह भी एक क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, दूध वाला, इस तरह से देखा जाए तो सीधे सीधे कोड किया गया है, और यह प्रत्येक लेटर का कोडिंग अपोजिट लेटर से सीधे सीधे किया गया है। तो सेम इसी पैटर्न के आधार पर इस लाइट शब्द का भी कोड कर देना है, तो अब सोचिए आमने सामने सीधे सीधे अपोजिट लेटर से, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लव शब्द में आप जानते हैं कि एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो, फिर से आई, आई का इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, जीटी रोड, तो इस तरह से टी हो जाएगा,
एच से हाई एस्कोल, तो यह एच हो गया, फिर एस्कोल यानी कि यह एस हो जाएगा, फिर उसके बाद टी आया, तो आप जानते हैं कि टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी टी रोड, जी और टी एक दूसरे का अपोजिट है, तो यह आपका जी हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर भी अपोजिट लेटर से और सीधे सीधे कोड किया गया, जिस प्रकार यहाँ कोड किया गया था अपोजिट लेटर से उसी प्रकार यहाँ भी कोड किया गया था। इस प्रकार पहला क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हुआ और यह जो कोडिंग आया यहाँ पर, ये जो लेटर आए इसको अब ऑप्शन में खोजेंगे, अगर ऑप्शन में मिलता है तो उसको टिक करेंगे, नहीं तो फिर नॉन ऑफ दिस पर टिक करेंगे। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका एंड होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में है, पेंट को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार रोड्स को कैसे लिखा जाएगा। तो सोचिए, आपको हमने बताया कि सबसे पहले आप सीधे सीधे कोड करके पता करेंगे और अपोजिट लेटर से, तो सोचिए पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है पी के शब्द से, तो यहां पर पी का अपोजिट यहां पर क्यू, ये तो होगा नहीं। तो फिर पीछे से देखते हैं तो टी का अपोजिट जी होता है जो कि यहां पर क्यू है, तो पीछे से भी अपोजिट नहीं है और सीधे सीधे भी अपोजिट नहीं है, तब इसका मतलब सियोर हो गया कि या तो उसके अंक में कुछ अंकों का यानी कि सीरियल नंबर में कुछ अंकों को प्लस करके या उसके सीरियल नंबर में कुछ अंकों को माइनस करके लिखा गया है। अब यहां समझेंगे कि पी और क्यू देखिए काफी नियरेस्ट है, पी और क्यू काफी नियरेस्ट है, तो पी में पी का सीरियल नंबर 16 होता है और क्यू का 17 होता है, तो आप देख सकते हैं क्या यहां पर किया गया है, प्लस 1 किया गया है। तो क्या इसी पैटर्न पर यहां पर भी है, ए का 1 होता है और इसका 2 होता है, तो यहां भी क्या किया गया, प्लस 1 किया गया। आई का 9 होता है और जे का 10 होता है, तो यहां भी देख सकते हैं यहां भी प्लस 1 किया गया है। एन का 14 होता है और ओ का 15 होता है, यहां भी प्लस 1 किया गया है। टी का 20 होता है और यू का 21 होता है, तो यहां भी प्लस 1 किया गया है। तो सीरियल नंबर याद जब रहेगा आपको तो उसके कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि यहां पर प्लस किया गया है या माइनस किया गया है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस किया गया है, पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस होता, तो यहां पर एक पैटर्न पता चला कि ये पेंट शब्द के प्रत्येक लेटर को प्लस 1 ऐड करके इसमें और सीधे सीधे कोड किया गया है। तो सिम इसी पैटर्न पर हमको रोड शब्द को कोड कर देना है। तो सोचिए आर में प्लस 1 करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे आर में तो क्या होगा, आर का सीरियल नंबर आपको याद होना चाहिए 18 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 19, और 19 कौन सा होता है वो लेटर, तो यह एस हो जाएगा। यहां भी प्लस 1 करते हैं, ओ का 15 होता है, 15 में प्लस 1 करेंगे तो फिर यह 16 यानी कि पी हो जाएगा। फिर ए का 1 होता है और इसमें प्लस 1 करते हैं तो बी हो जाएगा यानी कि 2। फिर डी का 4 होता है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 5 होगा, और यहां प्लस 1 करने पर 5 किसका हो जाता है, तो यह ई का हो जाता है। फिर उसी प्रकार एस जो है इसका 19 होता है, प्लस 1 करेंगे तो टी होगा, सॉरी 20 होगा, और 20 किसका होता है, ये तो 20 हो जाएगा, टी का हो जाएगा। तो इस प्रकार सेम इसी पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन एस पी बी ई और टी आ गया, तो ये हमारा इसका कोडिंग हो गया। फिर उसी प्रकार अगर आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, तो देखिए यहां पर क्या है, बेंच को ऐसे लिखा गया है तो टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर भी वही पैटर्न, सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट लेटर से चेक करेंगे सीधे सीधे या पीछे से। तो बी का अपोजिट वाई होता है, लेकिन यहां बी के सामने क्या है, ए है, इससे पता चलता है कि बी का अपोजिट ए नहीं होता है, तो अपोजिट से सीधे सीधे नहीं कोड किया गया है। उसी प्रकार यहां भी देखिए ई का अपोजिट भी होता है जो कि यहां पर डी लिखा गया है, मतलब ई का अपोजिट डी भी नहीं है, मतलब सीधे सीधे पता चल गया कि अपोजिट नहीं है। पीछे से भी देख लेते हैं, एच का अपोजिट किया ए है, क्रॉस से तो कोड नहीं किया गया है, तो एच का अपोजिट ए तो होता नहीं है, वहां पर तो एस होता है, तो फिर अपोजिट से सीधे सीधे भी हमने देखा और पीछे से भी देखा, अपोजिट लेटर से कोड नहीं किया गया है, तब यह श्योर हो गया कि इसमें कुछ अंकों का प्लस करके या कुछ अंकों को माइनस करके कोड किया गया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बी और ए काफी नियरेस्ट है, मतलब यहां देखा जाए तो यह 2 होता है और यह 1 होता है, माइनस 1 किया गया है। ई का 5 होता है और यह डी 4 होता है, तो यहां भी क्या, माइनस 1। एन का 14 होता है और यह 13 होता है, यहां भी माइनस 1। सी और बी माइनस 1, यहां भी माइनस 1। एच का जी यहां पर माइनस 1, यानी कि एक एक अंक क्या किया गया, यहां पर माइनस किया गया है। सो सेम पैटर्न पर हमको टेबल का भी कोड कर देना है, तो यहां भी माइनस 1 करेंगे, तो सोचिए टी में माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, यह तभी संभव होगा जब आपको टी का सीरियल नंबर पता होगा, टी का सीरियल नंबर 20 होता है, माइनस 1 कर देते हैं तो 19 यानी कि एस हो जाएगा। फिर ए में ए का 1 होता है और इसमें माइनस करते हैं यानी पीछे जाते हैं एक अंक,
तो आप सोचिए ए के पीछे तो कुछ होता नहीं है, तो फिर ये जेड पीछे से आ जाएगा, जेड हो जाएगा इसका माइनस वन, जेड हो जाएगा। बी में माइनस वन करते हैं तो इसका कोडिंग आपका ए हो जाएगा, फिर यहाँ एल में माइनस वन करते हैं तो फिर इसका के। हाँ, तो आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में, यानी कि बेंच का कोडिंग ये सब आया कैसे, यहाँ पर आया इसका पैटर्न क्या था कि माइनस वन से कोड किया गया है, तो यहाँ पर भी माइनस वन से ही कोड करेंगे, यानी कि यह टी में माइनस वन करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, यह एस हो जाएगा। ए में माइनस वन करते हैं तो ए के पीछे तो कोई लेटर होता नहीं है, तो फिर पीछे से यानी कि जेड हो जाएगा इसका। फिर से बी में माइनस वन करते हैं तो यह ए हो जाएगा, और एल में माइनस वन करते हैं तो यह के हो जाएगा, और ई में माइनस वन करते हैं तो यह आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। यानी कि हमने पहला स्ट्रक्चर पर जो क्वेश्चन तीन दिया है तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं प्लस करना पड़ रहा है, कहीं माइनस करना पड़ रहा है, और कहीं अपोजिट लेटर से कोड किया जा रहा है। तो इस प्रकार आपको जब भी आप लेटर कोडिंग करेंगे तो उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, दो चीज का, यानी कि क्या, तो सबसे पहले उसके अपोजिट लेटर याद करना होगा या उसको याद रखना होगा, फिर से उसके सीरियल नंबर जितने होते हैं तभी इसमें यानी कि सॉल्यूशन में आपके मतलब कि तेजी आएगी और बहुत फास्ट से आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। नहीं तो फिर उंगली पर काउंट करके लेटर को या उसको अपोजिट लेटर को ऐसे लिख कर फिर उसको देख देख कर यहाँ पर कोड करना होगा, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको दो चीज़ इसके लिए याद रखना होगा, और इस प्रकार ही आपका पहला स्ट्रक्चर पर ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका दूसरा स्ट्रक्चर पर होगा, तो उसके कैसे कोडिंग होंगे, जिसमें क्रॉस से यानी कि पीछे से कोड किया जाता है, अगला स्ट्रक्चर में वही है, तो उसको हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमने सिक्स लेटर दिया है, लेकिन पहला जो स्ट्रक्चर था वो आपका फाइव लेटर का ही स्ट्रक्चर था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेवन लेटर भी आ सकता है पहला स्ट्रक्चर पर, यानी कि सीधे सीधे जो कोड किया गया है उसमें सिक्स भी आ सकते हैं, सेवन भी आ सकते हैं, एट भी हो सकते हैं, टेन भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में क्या था कि सीधे सीधे कोड किया गया था, या तो प्लस से या तो माइनस से या अपोजिट लेटर से, तो यहाँ पर हम लोग भी वहीं करेंगे सीधे सीधे कोड। अब यहाँ देखेंगे कि सेंटर को इस तरह से लिखा जाता है तो पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको यहां देखना होगा कि C और यहां D है, C का अपोजिट तो D है नहीं, यानी कि पहले आपको यही चेक करना होगा कि पहले अपोजिट लेटर से चेक कर लेंगे कि पहले अपोजिट लेटर से चेक तो नहीं कोड तो नहीं किया गया है, या पीछे से फिर क्रॉस से देख लेंगे कि अपोजिट लेटर तो नहीं है। C का अपोजिट D नहीं है, और क्रॉस से भी चेक करना चाहते हैं तो E का अपोजिट D नहीं है। इससे पता चलता है या तो इसके सीरियल नंबर में कुछ अंकों को प्लस करके या इसके सीरियल नंबर में कुछ अंकों को माइनस करके कोड किया गया होगा। तो सी और डी काफी नियरेस्ट है, तो C से ही D बनाया गया होगा कुछ अंकों को प्लस करके, या आप अगर यहां देखते हैं E और D तो पीछे से भी आप देख रहे हैं कि E और D भी काफी नियरेस्ट है, पास पास में है, तो E में यहां माइनस वन करते हैं तो D हो गया। R उसी प्रकार R और D से देखते हैं, पीछे से हमने E और D का देखा तो माइनस वन, तो फिर R और D का देखते हैं तो देखिए R का 18 होता है और D का 4 होता है, बहुत ज्यादा अंकों का यहां गैप आ रहा है, तो इसका मतलब पीछे से कोड नहीं किया गया है। तब सीधे सीधे मिलाइए C और D, यहां पर भी क्या काफी नियरेस्ट है, मतलब यहां प्लस वन किया गया है, ये प्लस वन है, तो फिर सोचिए यहां पर जब ये प्लस वन किया गया है तो E और D भी क्या है काफी नियरेस्ट है, तो यहां पर क्या किया गया माइनस वन। फिर N और O में देखा जाए तो ये भी नियरेस्ट है, तो यहां पर प्लस वन, फिर यहां पर देखा जाए तो माइनस वन, यहां पर प्लस वन, यहां पर माइनस वन, यानी कि क्या पैटर्न एक मिला कि पहला क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम प्लस वन, फिर उसके बाद माइनस वन, फिर प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, माइनस वन, इसी पैटर्न के आधार पर हमने इसको कोड किया, प्रत्येक लेटर में प्लस वन या माइनस वन कोड करके उसके बाद हमने कोड किया, तो उसी पैटर्न के आधार पर हमको पेंसिल का भी कोड कर देना है। तो सबसे पहले क्या होगा प्लस वन, तो प्लस वन करते हैं पी का, तो सोचिए क्या हो जाएगा, पी का 16 होता है तो 17वां लेटर क्या हो जाएगा या क्यू हो जाएगा। फिर अगला बारी क्या है माइनस वन, जैसे यहां है उसी तरह यहां भी माइनस वन करेंगे, ई में माइनस वन करेंगे तो यह डी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां प्लस वन की बारी आता है तो एन में प्लस वन करेंगे तो फिर यह ओ हो जाएगा। फिर यहां माइनस वन आएगा तो सी में माइनस वन करेंगे तो यह बी हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस वन की बारी आएगा तो आई में प्लस वन करते हैं यह जे हो जाएगा। और फिर उसके बाद माइनस वन की बारी आता है तो एल में माइनस वन करेंगे तो यह के हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारा एक इसका कोडिंग मिला, और इसको हम ऑप्शन में खोजेंगे।
फिर अगर ऑप्शन में नहीं है तो नॉन अवधिज हो जाएगा आंसर आपका। तो इस तरह से आपका लेटर कोडिंग जो है इसमें पहला स्ट्रक्चर जो दिया गया था, मतलब कि फाइव लेटर का कोडिंग फाइव लेटर में या सिक्स लेटर का कोडिंग सिक्स लेटर में, और वो कैसे सीधे सीधे किया गया है और ये सीधे सीधे कोड कैसे किया गया है, या तो प्लस करके या तो माइनस करके या उसके अपोजिट लेटर से। तो इस पैटर्न पर पहला स्ट्रक्चर पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला जो आएगा क्रॉस से कैसे कोडिंग किया जाता है, यानी कि सबसे पीछे से हम लेटर को उठाते हैं आगे लिखते हैं, वो भी प्लस माइनस या अपोजिट से ही होगा। तो उसका अगला जो वीडियो बनेगा उसी का बनेगा, यानी कि सेकंड स्ट्रक्चर पर हमारा वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर मेरा ये आपको टॉपिक ये अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।